दोस्तों बस एक दिन और फाइटर मूवी कल हमें मिल जाएगी, लेकिन भाई कल होने से पहले ही रिजल्ट सामने दिखता नजर आ रहा है भाई। फ्लॉप ऑफ द ईयर कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब के इसके एडवांस बुकिंग चल रही, जिस हिसाब से इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है भाई, वैसा कलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। वो एक्शन डायरेक्टर जिसका नाम जुड़ा है इसमें, अपने नाम के लिए जाना जाता है, अपने काम के लिए जाना जाता है, मेन लीड में ऋतिक रोशन अपनी एक्टिंग और ऐसे टाइम के लिए जाना जाता है जो कभी कभार मूवी लेके आता है। ऐसा नहीं कि लाइन से मूवी लगी पड़ी है, नहीं भाई, एक आध साल में कभी एक मूवी लेके आ गया। लेकिन बावजूद उसके, दूसरी तरफ भाई मेकर्स ने ट्रेलर में ही वो पूरी कोशिश कर दी जिससे जनता बूस्ट हो सकती थी, लाइक की पॉइंट्स की पुलवामा अटैक, देन उसके बाद जो रिटालिएशन में एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक टू पेल के अच्छे तरीके से दिखा दिया। वो पैट्रियटिज्म वाला कनेक्शन, हर एक भारतीय से जो कनेक्शन सेट करने की कोशिश करी थी, वो कनेक्शन सेट नहीं होते नजर आ रहा है भाई। इस मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने पिछले साल एक्शन मूवी की ही बात कर लें, एक्शन भले ये एयर स्ट्राइक वाली है, एरियल शॉट्स की मूवी है, लेकिन एक्शन मूवी की ही बात कर लें तो भाई उस टाइम पर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिला था, लाइक सालार, एनिमल, पठान, लियो, इवन टाइगर 3 को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन फिलहाल इसकी ग्रोथ भाई टाइगर 3 से भी कम होते नजर आ रही है, क्योंकि एडवांस बुकिंग में उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अभी सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कितना क्या कलेक्शन एडवांस इस मूवी ने अभी तक अपने खाते में कर लिया है, और भी क्या कलेक्शन ये कर सकती है, डे वन की ओपनिंग क्या हो सकती है, सारी चीज़ों पर कर बात करेंगे। पहले क्या करना है, वीडियो एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर काम पसंद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, फ्लॉप होते दिख रही है। बिग न्यूज आपको देना चाहूंगा कि ऋतिक रोशन की ये जो फाइटर मूवी है भाई साहब, गल्फ कंट्री में ये मूवी बैन है, ये मूवी नहीं चलने वाली है, सिर्फ यूएई में, वो भी फिल्टर के साथ चलेगी, आई डोंट नो क्या फिल्टर है, देन गल्फ कंट्री में भाई इस मूवी को फुल बैन कर दिया है। अभी तक बताऊं तो हिंदी 2D से एडवांस बुकिंग आ चुकी है 1,77,91,000 की, जहां पर 66,459 टिकट बेच चुके हैं, 5,693 सो जिनके खाते में आ चुके हैं। हिंदी 3D की बात करें तो 3D से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है भाई, 2,82,02,000 के आसपास बुकिंग ले ली है, 87,569 टिकट बेच दिए हैं और 5,718 सोच है 3D में। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो 42,93,000 का कलेक्शन हो चुका है और 7,432 टिकट बेचे हैं, 117 सोच में इसके खाते में। हिंदी 4DX 3D की बात करें तो 14,17,762 का एडवांस कलेक्शन वहां से हुआ है, 2,473 उन्होंने टिकट बेच दिए हैं एंड 123 सोच है इनके खाते में। ऑल वर्जन्स को मिलाकर टोटल बुकिंग हो चुकी है 5,17,00,000, जो अभी तक मिनिमम भाई 12 करोड़ या 15 करोड़ तो हो ही जानी थी, क्योंकि ये बहुत है भाई, एवरेज से भी बिलो एवरेज ये मूवी नीचे जाती दिख रही है। टोटल टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं 1,63,933 टोटल अभी आज सुबह तक के, और टोटल सोज इनके खाते में आ चुके हैं 11,651 सोज। देखें तो भाई फिर भी बहुत अच्छे सोज आ चुके हैं इनके खाते में, लेकिन हो सकता है वॉकिंग ऑडियंस जो काम कर दे, या हो सकता है जब ये मूवी कल डे वन पर चल जाए, देन उसके बाद जो पॉजिटिव रिव्यू अगर इसकी तरफ से देखने को मिल गए, तो हो सकता है सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे में ये फाड़ के जाने वाली है। नेशनल चेन्स की बात करें तो भाई साहब तीनों नेशनल चेन्स को मिला के, यानी PVR, INX एंड सिनेपोलिस को मिलाकर 74,000 का एडवांस बुकिंग इन्होंने ले लिया है एक दिन पहले तक। जो डंकी की अगर इससे कंपेयर करें तो डंकी ने एक दिन पहले तक 1,52,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे नेशनल चेन्स में, लेकिन डंकी की फाइनल एडवांस बुकिंग क्लोज हुई थी कब, यानी कल जब मूवी रिलीज हो रही है, और डंकी की एडवांस बुकिंग क्लोज हुई थी 2,26,000 के आसपास। लेकिन फाइटर से उम्मीद जताई जा रही है कि भाई साहब कहीं ना कहीं 1,20,000 या फिर 1,35,000 के आसपास ये नेशनल चेन्स में क्लोज करते नजर आए। 30 से 40 करोड़ के आसपास ये डे वन की ओपनिंग रह सकती है ऑल वर्ल्ड वाइड मिलाकर, और इंडिया में 25 से 30 करोड़ के आसपास। आपको क्या लगता है कितना कलेक्शन ये कर लेगी? बाकी मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।